नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कल का जो अंबर कल के वाले वीडियो में दिया था उसके उत्तर जानते हैं और जानते हैं किस किसने सही उत्तर देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो वो थे श्याम सुंदर दास। जी हाँ दोस्तों, श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अब कुछ लोगों ने बताया है क्या, यहाँ पर बताया है चिंतामणि घोष और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि घोष जो थे वो संस्थापक थे महावीर पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में संपादक का कार्य संभाला था। तो श्याम सुंदर दास और जो संपादक मंडल था जगन्नाथ दास, इस प्रकार से इनके जो संपादक मंडल था उनमें श्याम सुंदर दास प्रमुख थे और संपादक इन्हीं को ही माना जाता है प्रथम संपादक, है ना। तो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका का नाम बताइए, तो नयपत्ते जो है वो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न क्लियर हो गए और जो सही उत्तर बताए हैं, सबसे पहले गरिमा यादव, अंतिम यादव, ममता मालवीय, पार्थ यादव, सुमन मोरबाल और कमलेश विश्वकर्मा जी ने सही उत्तर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। अब जानते हैं कुछ प्रश्न कि मनोज कुमार ने पूछा है कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है क्या। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की तो रचना है ही और उर्वशी जयशंकर प्रसाद का भी चंपू काव्य है ना, चंपू काव्य है। तो इस प्रकार से हो गया मनोज कुमार जी। और सुमन मोरवाल जी ने बिहारी सत्सई किस प्रकार की रचना है, तो श्रृंगार परक रचना मानी जाती है बिहारी सत्सई। अब कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंफ्यूजन ज्यादा था, देखा हमने कमेंट के माध्यम से, तो उसके बारे में बता दें कि उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते की रचनाकार के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ सीधा साधा जो उत्तर, इसके उत्तर में जो रचना सीधा साधा रास्ता जो रची गई थी उसके रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ रांगे राघव सही होगा, जबकि टेढ़े मेढ़े रास्ते के यहाँ पर नहीं पूछा गया है ना। तो अब बात करते हैं प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर विशाल भारत के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, ना कि संपादक। जी हाँ दोस्तों, संपादक बनारसी दास थे, जबकि संस्थापक रामानंद चटर्जी चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, तो रामानंद चटर्जी साहब थे संस्थापक। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन था कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया था, हनुमान चालीसा, जबकि हनुमान चालीसा और हनुमान वाहक, पार्वती मंगल और बैराग समुद्र, ये चारों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं और हनुमान आरती जो है वो रामानंद जी ने रची है ना। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। तो अब जो आपका होमवर्क है वो देखते हैं, वो है आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे, ये चीज आपको बतानी है। और नेक्स्ट बताना है कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है। तो ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनके उत्तर आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज हम आपको बता दें कि जब हम आपको होमवर्क देते हैं तो आप ढूंढने का प्रयास करते हैं और हमें सही उत्तर का भी पता पड़ता है, और ये चीज आप कभी नहीं भूल सकते। ये चीज तो है, जब तक आप ढूंढते हो उस चीज के जिज्ञासा रहती है तो वो आप कभी नहीं भूल सकते। और हम आपको एक चीज और बता दें कि कुछ लोगों ने बोला है कि नाम मत दिया करो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक कारण है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए होमवर्क देते हैं तो आपके लिए भी एक चिंता रहती है, मतलब आप उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो, और हमें भी एक जिज्ञासा रहती है कि हम कमेंट देखें और देखें कि किसने कितने क्या क्या उत्तर बताए हैं, वो चीज देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें वीडियो में उनका नाम लेना है, इसलिए देखते हैं, नहीं तो हम वीडियो आपके कमेंट भी नहीं देखेंगे और वीडियो में क्या गलत है क्या सही वो भी हम नहीं जान पाएंगे, है ना। तो हमारे लिए भी एक चिंता रहती है वीडियो बनाने के लिए कि हमें उसमें नाम देने, तो सभी के कमेंट देखते हैं, उनके सही उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं, कहीं वीडियो में भी गलती हो जाती है और आप लोगों के भी कमेंट आते हैं तो वो भी हम सारे के सारे कमेंट देखते हैं। नहीं तो वीडियो ऐसे भी होते हैं कि हजारों कमेंट होते हैं और उनके कमेंट बिल्कुल भी नहीं देखे जाते। तो यहाँ पर हम डिस्कशन चल रहा है अपने हिंदी साहित्य का, डिस्कशन चल रहा है, कुछ आप बताते हो कुछ हम बताते हैं, तो यहाँ पर उससे मतलब क्या है कि हम सारे कमेंटों को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोगों ने बताया कि टाइम वेस्ट होता है सर, तो हम इसका भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो है कम टाइम में उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि राउल बेल किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों,
तो यहाँ पर राहुल बेल की रचना बताना है, चार विकल्प भी मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर बताना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रोड़ा कवि। राहुल बेल रचना है रोड़ा कवि की। नेक्स्ट है कुबलाई माला कथा किसकी कृति है, तो ये चार विकल्प में से एक का चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए उद्योतन सूरी जी की जो कुबलाई माला है वो इनकी उद्योतन सूरी जी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है रस गंगाधर किसकी रचना है, तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है, रस गंगाधर किसकी रचना है, टिक भी कर लिया होगा आपने, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ की ये रचना है रस गंगाधर। नेक्स्ट है कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है, तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टिक कर लिया आपने, इसका उत्तर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी की कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि जी की ये रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की है, तो चार विकल्प है आपको पता ही होगा, टिक भी कर लिया होगा, केशवदास की रचना है तो वो है रसिक प्रिया। नेक्स्ट है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर बताना है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कुंतक जी। एक और बात हम आपको बता दें दोस्तों, कम से कम हमारे पास हिंदी साहित्य से संबंधित 8 से 10 पुस्तकें रखी, और 10 पुस्तकों में हम आपको बता दें कि 10 पुस्तकों में ऐसे अनेकों तथ्य जिनमें की गलत बताया गया, और जितनी भी पुस्तक आप लेकर आओगे उनमें भी गलत बताया जाता है, तो हम कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में कंफ्यूज रहते हैं। आज इतनी सारी रचनाएं कि एक एक कवि ने कई कवियों ने एक सी रचना की है और अनेकों तथ्य हमें गलत मिलते हैं, लेकिन हम डिस्कशन के माध्यम से सर्च के माध्यम से सही बताने का प्रयास जरूर करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से जुड़े रहें, कमेंट के माध्यम से बताते रहें, और अभी व्यंजनाबाद के प्रवर्तक हैं तो चार विकल्प में से आपको एक का उत्तर बताना है, तो अभी व्यंजनाबाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोचे साहब अभी व्यंजनाबाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है, तो चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, चार में से एक का उत्तर बताना है, जयशंकर प्रसाद का बताना है यहाँ पर, तो जयशंकर प्रसाद का जो अपूर्ण उपन्यास है वो है एरावती उपन्यास। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास नहीं है ये चीज बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खंजन नैन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया, जी हाँ दोस्तों ये विकल्प है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जबकि सरस्वती पत्रिका की शुरुआत तो 1900 में हो चुकी, तो इसके संस्थापक भी हमने आपको बताया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कंफ्यूजन सबके लिए था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 1903 में जो इसके संपादक बने। नेक्स्ट है पयोम चरियु किसकी रचना है, चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, चार में से एक का उत्तर आपने टिक कर लिया, तो पयोम चरियु जो है वो स्वयंभू का महाकाव्य माना जाता है, पयोम चरियु है ना, तो ये स्वयंभू साहब का है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है, तो चार विकल्प में से एक का आपको चयन करना है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना के बारे में आपको बताना है, तो ये जो रचना है वो ब्रजभाषा की रचना है कविता बली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो दोस्तों खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो ये चार विकल्प में से एक का उत्तर आपका चयन कर लिया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए जयपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है चर्यापद के रचनाकार कौन है, तो चार विकल्प भी मौजूद हैं, चर्यापद के रचनाकार कौन है तो ये चीज बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगी कौन सी हो जाएगी सबरपा सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं सबरपा, और चर्यापद के रचनाकार भी हैं ये सबरपा है ना। नेक्स्ट है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है, जी हाँ दोस्तों ये परिभाषा मानी जाती है, और ये परिभाषा किसने दी है तो आपने टिक भी कर लिया होगा, उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर नगेंद्र साहब ने ये परिभाषा दी है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है, प्रथम तार सप्तक का यहाँ पर बताना है, तो कौन नहीं है, चार विकल्प मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं माने जाते। नेक्स्ट है शिवपालगंज के उपन्यास से संबंधित है, शिवपालगंज के बारे में आपको बताना, शिवपालगंज जो है किस उपन्यास से संबंधित है, चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन करना है, इसका उत्तर हो जाएगा राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है शिवपालगंज। नेक्स्ट है हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है, चार विकल्प में से एक का उत्तर आपको चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने कहा है भारतेंदु जी ने कि हिंदी नई चाल में
ढली। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र सही उत्तर हो जाएगा। अपरूप कवि किसे कहा जाता है? अपरूप कवि किसे कहा जाता है? चार विकल्प मौजूद हैं, चार में से एक का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, टिक कर लिया आपने, टिक कर लिया तो देखते इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति। नेक्स्ट है, रस संप्रदाय का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो रस संप्रदाय का हमें बताना है जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है, वो है, इसका उत्तर भी टिक कर लिया होगा, उत्तर हो जाएगा नाट्यशास्त्र। रस संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, सूरा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है, सूरा, तो सूरा के बारे में बताना है, तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी, सूरा। और सूर में रंग भी होते हैं, बहुत सारे रंग है ना सूर में, तो रंगभूमि हो जाएगा। इनमें उदय प्रकाश का काव्य संग्रह कौन सा है? चार विकल्प मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा उदय प्रकाश काव्य संग्रह कौन सा है? तो उदय प्रकाश का जो है वो है सुनो कारीगरी जो है उदय प्रकाश का काव्य संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को किसने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है? तो ये चार विकल्प में से एक में आपको टिक करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जो प्रसार भारती की अध्यक्ष बनी वो कौन थी? तो इसका टिक कर लिया आपने, उत्तर हो जाएगा इसका मृणाल पांडे जी। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के मत में हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदुमती। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, और ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है शुक्ल जी के मत में। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग उन्होंने 25 प्रश्न यहाँ पर देखे, उनके बारे में पढ़ा, और आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। और यहाँ पर जो होमवर्क आपको दिया है उसके बारे में आप उत्तर देने का प्रयास जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह निरंतर हमारी जो डिस्कशन क्लास है वो चलती रहेगी, आप भी बताने का कुछ प्रयास करें, हम भी बताने का कुछ प्रयास करेंगे, और इसी तरह से अध्ययन चलता जाएगा। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ फिर से बताने वाले हैं कि जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में ऐसे अनेकों तथ्य हैं, चाहे सन को लेकर हो, चाहे पत्रिकाओं को संपादक संस्थापक के बारे में हो, ऐसे अनेकों तथ्य जो गलत दिए हैं। हम खुद कभी कभी क्या है कि पुस्तकों से अगर कोई प्रश्न उठाते हैं तो गलत हो जाता है वीडियो में प्रश्न, लेकिन अब हमने ठाना है कि एक प्रश्न जब हम भी लिखेंगे तो उसका डिस्कशन, उसके बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में फिर उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर कोई गलती होती है तो आप बताने का प्रयास करें, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें हम उस प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो वो भी आप बताने का प्रयास करें। और इसी तरह लगातार हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, आप भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ते रहें। जय हिंद।